नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के पार्ट 7 को। दोस्तों, यहां पर हम खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को पढ़ेंगे और यहां से हमारा खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 6 में हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तथा इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम इस समय इतिहास के क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को पढ़ रहे हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे पहले लॉन्च हो चुके हैं। पार्ट 1 में हमने भारत पर अरबों के आक्रमण और मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। पार्ट 3, 4, 5 में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा और पार्ट 6 में हमने खिलजी वंश से जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। अगर दोस्तों आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने अपने कमेंट को पिन कर दिया है। पिन का अर्थ होता है आपको मेरा कमेंट सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा इतिहास के क्रमबद्ध वीडियो की प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप एग्जाम तक चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे इतिहास के जितने भी वीडियो हैं आप क्रमबद्ध तरीके से देखिए और जिससे आपके इतिहास संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और कोई भी दिक्कत आपकी ना रह जाए। चलिए, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में और खिलजी वंश का समापन होता है। शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी से जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन का मूल है वो ये है, इसका शासनकाल। तो इसका शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक, 1296 से 1316 ईस्वी तक, अर्थात इसने कुल 20 साल 20 ईयर शासन किया। ये एक प्रभावशाली राजा रहा है और खिलजी वंश का महानतम शासक यह था। तो क्वेश्चन पूछे कि खिलजी वंश का महानतम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था और इसने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 20 सालों तक। और अगर शासन काल के ही बारे में पूछ ले कि कब से कब तक, तो 1296 से 1316 ईस्वी तक। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ लेता है, लेकिन अगर आपने कंफर्म किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस वो आपको बचाता है कई प्रकार से पूछ के। चलिए, इसके राज्याभिषेक के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 1296 ईस्वी में बलबन के लाल महल में, जो कि दिल्ली में है। तीन टॉपिक आपके क्लियर हुए। पहला कि पूछता है कि इनका राज्याभिषेक हुआ कब था, तो 1296 ईस्वी में। किसके महल में हुआ था, तो बलबन के लाल महल में हुआ था। और यह महल है कहाँ, तो दिल्ली में है। तीन बातें आपकी कंफर्म हो गई। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है, रिपीट होता रहा है, इसके बचपन का नाम। तो इसके बचपन का नाम था अली तथा गुरसाफ। इसके बचपन का नाम था अली तथा गुरसाफ। इस बात को आप लर्न कर लीजिए, इस बात को आप याद कर लीजिए, इसके बचपन का नाम है अली तथा गुरसाफ। दोस्तों, इसने सेना को नकद वेतन देने में स्थायी सेना की नींव रखी। आखिरकार ये नकद वेतन क्या है, तो जान लीजिए। आपने जब पढ़ा था पार्ट 3 में, आपने 3 या 4 में आपने इल्तुतमिस के बारे में पढ़ा था, इल्तुतमिस के बारे में पढ़ा था, जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक कुतुबुद्दीन खिलजी के बाद था ना, आराम शाह उसकी हत्या करके इल्तुतमिस बना था। तो इल्तुतमिस ने एक इक्तदारी प्रथा चलाई थी, वहाँ पर जो है सैनिकों को नकद वेतन देने के बजाय उनको कुछ भूमि दी जाती थी, इसी को इक्तदारी कहते थे। लेकिन यहाँ पर भूमि नहीं, उनको नकद, उनको मतलब वेतन दिया जाता, नकद माने पैसे के रूप में, समझ लिया इस बात को। तो इसने नकद वेतन देने में स्थायी सेना की नींव रखी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता रहा है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इसने घोड़ा को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता रहा है, रिपीट होता रहा है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की, जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसने जो है कि भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, मतलब आधा कर दिया उपज का आधा। आपने 10 किलो आपको गेहूं हुआ, आपको 10 किलो गेहूं हुआ, तो आपको 5 kg सुल्तान को देना है, अर्थात उपज का आधा भाग। निर्माण कार्य का देख लीजिए, जमैयत खाना मस्जिद
अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण। तो अलाई दरवाजा, जमयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण इसने कराया। निर्माण कार्य इसका था ये सब। इसमें अलाई दरवाजा जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते रहे हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया। तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो जान लीजिए अलाई दरवाजा को, बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए इसकी उपाधि के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते रहे हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी उपाधि थी सिकंदर सानी, या अपने को दूसरा सिकंदर कहता था, अपने को सेकंड सिकंदर, दूसरा सिकंदर कहता था, और सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी। और इसके बारे में जान लीजिए, इसके शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुए। इसके समय में 6 मंगोल आक्रमण हुए। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके शासनकाल में कितने मंगोल आक्रमण हुए। तो इसके शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुए, और सबसे ज़्यादा बार आक्रमण इसी के शासनकाल में हुए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इस प्रकार ना कि सबसे ज़्यादा बार मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समझ लेते हैं और बात की। इसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे कवि रहते थे। अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे इसके दरबार में कवि रहते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे साथ लिखते चलिए लगातार। सीधे सीधे लिखने से आपको लगभग याद हो जाता है, समझ लीजिए इस बात को। और हाँ, अगर आपने इनके पार्ट को अभी नहीं देखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 को, तो कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर आप उसको देख लीजिए, वहाँ पर अगले वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए अब मुबारक शाह खिलजी के बारे में देख लेते हैं। मुबारक शाह खिलजी के बारे में देख लेते हैं, यह अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, या दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता रहा है, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहा है कि वह कौन सा शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, वह प्रथम सुल्तान कौन था। तो समझ लीजिए मुबारक शाह खिलजी प्रथम सुल्तान था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो बस इतना ही था जितना मैंने आपको बताया कि ये 9 टॉपिक जितने थे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अलावा कहीं क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आप इन्हीं 9 क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए जिससे आपको याद हो जाए, और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। मुबारक शाह खिलजी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया कि इसका शासनकाल से क्वेश्चन बनता है 1316 से 1320, महज 4 सालों तक इसने शासन किया। क्वेश्चन पूछ सकता है शासनकाल के बारे में, तो जान लीजिए। आगे है कि इसने इसकी उपाधि, तो मुबारक शाह ने अल वशिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। तो इसने अल वशिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ लीजिए। बरनी के अनुसार, बरनी एक काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है, इसके अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। इसके मतलब से यह कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। कौन मुबारक खिलजी, पूछ सकता है क्वेश्चन। नोट में जान लीजिए कि मुबारक शाह की हत्या खुसरो शाह ने की। ये नोट जो आता है ये बेहद इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना लगभग तय रहता है, तो इसको याद के लिए 2 पॉइंट कि मुबारक शाह की हत्या अमीर खुसरो ने की और खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था। तो ये 2 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हैं कि इसकी हत्या खुसरो शाह ने की और खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था। दोनों टॉपिकों को याद कर लीजिए। आपको जितने भी टॉपिक मैंने बताए वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, वे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाना लगभग तय हैं।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ अपने शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आने वाले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बाय बाय।